कांग्रेस के विधायक, यहां पर पुनः मैं कह रहा हूं, राजस्थान में भ्रष्टाचार का विषय सदन के पटल पर मंत्री ने कहा, हरियाणा में उकसावे का बयान सदन के पटल पर विधायक दे रहा है, उनके जो वाक्य हैं उसे मैं यहां पर रिपीट नहीं करना चाहता, वो सीधे हिंसा को उकसाने वाले। उसके बाद उस विधायक का फेसबुक पोस्ट, वो सीधे वो फेसबुक पोस्ट सीधे सीधे हिंसा को उकसाने वाला। इसलिए यह बात और गहरी शंका उत्पन्न करती है कि यह हिंसा एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थी जो जांच के बाद बाहर आएगी। एक और तथ्य है जो संभवतः आप लोगों के संज्ञान में हो, ये सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में कटुता उत्पन्न करने के जो प्रयास हो रहे थे उसके लिए हरियाणा सरकार का साइबर सेल बहुत एक्टिव था, और पिछले कुछ दिनों में करीब 65 से 70 लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। अब यह मन में यह संदेह उत्पन्न होता है कि साइबर थाने पर अटैक क्यों किया गया, क्योंकि सामान्यता उसका पुलिस की दैनंदिन एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं होता है, सामान्यता वहां से कोई प्रतिरोधात्मक कार्रवाई भी नहीं होती है, न वहां से कोई यह कह सकता है कि उसके ऊपर लाठी डंडे चले। तो मन में यह संदेह उत्पन्न होता है कि यहां मैं पुनः कहना चाहूंगा, कांग्रेस का विधायक हरियाणा का हो या किसी अन्य प्रांत का हो, या मैं याद दिलाना चाहता हूं दिसंबर 2019 में तो कांग्रेस की अध्यक्षा ने बोला था ना, सड़क पे निकलो और आर पार की लड़ाई लड़ो। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के विधायक या जो हरियाणा में है वो उसी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के वह निर्देश को जो उन्होंने उस समय में दिया था शायद उसी को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए हरियाणा की यह हिंसा कांग्रेस पार्टी के ऊपर और बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही है।